बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से हैं और मज़े में हैं। तो जी अभी इस टाइम हो रहे हैं 5:30 और मैं जैसे ही उठी अपनी सुबह की नमाज के लिए तो अनाबिया भी मेरे साथ उठ गई, तो इस वजह से वो भी मेरे साथ आ गई बाहर। और फिर मैंने उसे उसका कायदा पकड़ा दिया है ताकि वो अपना रिपीट कर लो, इतने मैं अपनी सुबह की नमाज अदा करने लग गई हूँ। अनीज़ और अनाबिया की आदत है कि जैसे ही मैं बेड से निकलती हूँ इनकी ऑलमोस्ट फ़ौरन आँख खुल जाती है और फिर ये मेरे पीछे चल पड़ती हैं, चाहे जितनी शदीद नींद में होंगी। तो फिर अनाबिया ने भी यही किया, आ गई है मेरे पीछे, तो फिर मैंने कहा ये इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ ताकि कायदा पढ़ ले इसने, क्योंकि अनाबिया का कुरान पाक मैंने लेट स्टार्ट करवाया है। अभी तकरीबन 1.5 महीना हुआ है इसका कुरान पाक स्टार्ट हुआ है, तो इसकी जो कारियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनने जितना इसको पढ़ाया वो इसको आता है। तो मैंने इसको कायदा दिया है, तो बैठी खुद से ये वही अपना लेसन रिपीट कर रही है। तो अभी जो आजकल मैंने स्टार्ट किया है ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, हाइलाइटर है और फिर मेरे पास ये तर्जुमा और तफसीर वाला कुरान पाक है। तो पहले मैं कुरान पाक ऐसे पढ़ती रहती थी तो मैंने काफ़ी जगह देखा सुना, और फिर अब बल्कि मेरा दिल भी करता है कि जो कुरान पाक हम जितना पढ़ते हैं चाहे 2 लाइनें भी पढ़ें तो उसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, एटलीस्ट पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से अब मैंने स्टार्ट की है कि जो कुरान पाक में थोड़ा सा पढ़ती हूँ वो हाईलाइट करके उसकी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, उसे समझने की कोशिश करती हूँ। चूँकि इस कुरान पाक में तफसीर भी है तो उससे ये है कि आपको समझ आ जाती है कि आपने क्या पढ़ा है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें किस चीज़ का और किस तरह ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है और क्या वाक़ियात हैं। और वैसे भी इस्लाम में आपको पता है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर तरीका बता दिया है, हम इंसान जो है वो कंफ्यूज हुए रहते हैं, किसी से पूछते हैं किसी और से पूछते हैं, तो इसलिए बेहतर है इंसान कुरान पाक को अच्छी तरह स्टडी करे और ट्रांसलेशन के साथ पढ़े ताकि आपको तमाम वाक्यात और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ाकार है वो आपको ख़ुद समझ आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पीने लगी हूँ नीम गर्म पानी के साथ इस्बहुल हस्क के 2 टेबलस्पून, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 छोटा सा टीस्पून दारचीनी का। तो ये मिक्स करके मैं पीऊँगी, और क्योंकि आजकल मैं फिर थोड़ा सा वेट कंट्रोल करने के चक्कर में हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपनी जिम वगैरह की रूटीन मेरी अभी बिल्कुल बंद हुई हुई है, तो अभी एटलीस्ट मैंने अभी सोचा है कि मैं अपनी डाइट वगैरह को कंट्रोल करूं और फिर से अपनी रूटीन में आऊं, क्योंकि मैं जब अपनी डाइट छोड़ती हूं और वर्कआउट भी छोड़ती हूं तो मेरा वेट फौरन बढ़ने लग जाता है और मेरे चेहरे की शेप भी सारी ख़राब हो जाती है, मतलब चेहरे के ऊपर भी फैट बहुत जल्दी आने लग जाता है। तो मैंने वो पानी पिया है नीम गर्म पानी दारचीनी और इस्बहुल हस्क के साथ, और मैं फिर बाहर आ गई हूँ बालकनी में, कपड़े ड्राई हो रहे थे तो मैंने कहा चले इनको एक साइड पे करूँ, और अनीज़ा नाबिया के वहाँ पे टॉयज़ रखे हुए हैं वो खेलती हैं, तो वो मैंने बालकनी को मैंने कहा चलो क्लीन करूँ। मेरी कोशिश होती है कि बालकनी हर वक्त साफ़ रहे, क्योंकि यहाँ पर घर में ना 2 बालकनीज़ हैं, एक ये है फ्रंट पर इसका व्यू है और दूसरी है किचन की साइड पे, जो किचन वाली साइड पे है उसमें तो इसको एज आ स्टोरेज में यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बालकनी को मेरी कोशिश होती है कि ये साफ़ सुथरी रहे, तो जब भी आप अच्छा व्यू देखने के लिए या बाहर इंजॉय करने के लिए आएँ तो आपको ये महसूस ना हो कि ये जगह गंदी है। तो लेकिन ये जो कपड़ों का स्टैंड है ये मैं इधर रखती हूँ क्योंकि दूसरी बालकनी में इतनी स्पेस नहीं है, वहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है और भी किचन वगैरह का और दूसरा सामान वैक्यूम क्लीनर वगैरह वो रखा हुआ है वहाँ पर।
तो जी अगर आप पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड पे नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप मेरे आने वाले तमाम व्लॉग्स को देख सकें। तो ये जो मिस्टर लॉयन है ये बैठा रहता है यहाँ बालकनी में और ये व्यू को एंजॉय करता रहता है। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो गया हुआ है और मैं भी आ गई हूँ एज यूजुअल बालकनी में। ये सुबह के टाइम इस व्यू का अपना ही मज़ा है। गाइस अभी मैं आ गई हूँ अंदर और थोड़ा सा अपना लाउंज साफ करते हैं। वैसे तो रात को सोने से पहले भी हम लोग इसकी लाउंज की क्लीनिंग करके सोते हैं, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ फिर रात को अगर लेट कोई ना कोई आके बैठता है तो कुशन वगैरह सारे आगे पीछे हुए हुए होते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लाउंज साफ़ होता है और डस्ट वगैरह समटाइम आ जाती है क्योंकि ये बालकनी की विंडो हम लोग बाज़ुकात खोलते हैं ताकि अंदर हवा आए। और ये अभी मैं लैपटॉप के ऊपर सूरह रहमान लगा के रख रही हूँ, सूरह रहमान लगाऊंगी और उसके बाद सूरतुल बकरा भी चलाती हूँ। और हाँ जी, सफाई की बात करी थी मैं तो साफ़ ही होता है लाउंज, बस ये कुशन वगैरह ठीक कर लेती हूँ सुबह के टाइम उठ के और कर्टन वगैरह ठीक कर लेती हूँ। और अक्सर आपने देखा होगा कारपेट के ऊपर भी मैं चादरें इसलिए डाल के रखती हूँ क्योंकि हल्के रंग का कारपेट है तो मुश्किल से क्लीन होते हैं। वैसे तो मैंने वैक्यूम क्लीनर जो है वो इसका कारपेट क्लीनर बल के रखा हुआ है, वो डायरेक्ट इसको वॉश कर देता है इधर ही, आपको बाहर से वॉश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको पता है फिर थोड़ा सा उस पर वक्त लगता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से फिर भी मैं एहतियात करती हूँ कि कारपेट गंदे ना हो। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ा सा मैंने अपने सोफ़ा थ्रो ठीक किए हैं और कुशन ठीक किए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरा लाउंज साफ लगने लग गया है। और वो जी हमारा चांद जो है रमज़ान का, उसकी लाइटें जल रही हैं और इंतज़ार करनी है अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे और बाबरकतों वाला महीना है उसका खूब इंतज़ार कर रहे हैं हम तमाम मुसलमान। तो यहाँ पे ये हरी मिर्चों का तो ढेर कट चुका हुआ है और मुझे अभी पता चला है सुबह के टाइम के घर में प्याज नहीं है जिन, अब मैं अंडा जो है मेरा दिल कर रहा था मैं ऑमलेट खाऊं प्याज वगैरह के साथ, तो मुझे पता चला है कि प्याज ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलें क्या हो सकता है, अब मिस्टर अनियन को जस्ट आज मिस ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने आई हैव एडेड 3 eggs और थोड़े से टमाटोज़ कटे हुए डाले हैं और ग्रीन चिली डाली है मैंने। और अब इस अंडे को बेसिकली मैंने 3 eggs इसलिए हैं, नॉर्मली द एग साइज़ इज़ वेरी स्मॉल। तो अच्छा, पाकिस्तान में जब मैं कोई वीडियोस वगैरह देखती थी ना रेसिपीज़ वगैरह की तो कभी उन्होंने बताना कि दिस इज़ अ मीडियम साइज़ ऑफ एग या लार्ज साइज़, तो मैं कहती थी कि अंडे के कौन से स्मॉल मीडियम लार्ज होते हैं। तो जब आप बाहर कंट्रीज़ में आते हैं तो वाकई होते हैं ये, अब स्मॉल साइज़ है, फिर एक मीडियम होता है और एक लार्ज होता है। तो ये स्मॉल साइज़ एग्स हैं तो इस वजह से मैंने 3 लिए हैं, अदरवाइज़ 2 eggs आर इनफ फॉर मी। तो जी यहाँ पे अपना चूल्हा जला दिया है मैंने क्योंकि अब मैंने अपना प्रिपेयर करना है ब्रेकफास्ट और साइड पे रख दी है मैंने अपनी चाय अपनी फेवरेट सॉस पैन में। और जी ये आ गया है मेरा नॉन स्टिक तवा, तो इस पे मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। और आजकल मेरी डाइट जो है, डाइट एंड एक्सरसाइज, मेरी फिटनेस रूटीन इज़ टोटली आउट ऑफ द वे क्योंकि जब से मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ तो बस पता नहीं क्यों नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। आजकल बस ऐसे ही चल रहा है, लेकिन चलें अभी मैंने फिर से कोशिश स्टार्ट की कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंट्रोल माय डाइट। मेरे पास वो जो मैं गुड़ शक्कर अपने देसी टोटके वो भी मेरे ख़त्म हुए हैं, अभी मैं गुड़ भी लेके आऊँगी तो मैं वाइट शुगर थोड़ी बहुत यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो रहा है मेरा ऑमलेट अल्हम्दुलिल्लाह और साइड पर कहवा बॉयल हो रहा है, तो इसमें भी अभी मैं लॉन्ग लाइफ मिल्क ऐड करूँगी। वैसे तो मैं एवापोरेटेड मिल्क भी यूज़ करती हूँ चाय में, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, मैंने लॉन्ग लाइफ मिल्क ला के रखा हुआ है नादिक का। इनफैक्ट बच्चे अभी सो रहे हैं सारे, तो अनाबिया का क्या है वो आके बैठी है मेरे पास, उसने पढ़ा है और फिर थोड़ी देर बाद बच्ची है ना थक गई और वो फिर सोने चली गई और फिर वही हुआ थोड़ी देर बाद वो मैं बाहर बैठी जब नाश्ता करके फ्री हो गई मैंने देखा वो फिर उठ के आ गई और फिर उधर ही मेरे साथ शीट पर उधर लेट गई
और फिर उधर मैं फिर उसको उठा के ले आई इधर रूम में ताकि ये नींद करे। तो फिर आगे बेसिकली मैं जब भी उठती हूँ बेड से तो मेरे सारे बच्चे ऐसे करते थे। अभी अब्दुल्ला और अब्दुल हादी तो माशाल्लाह बड़े हुए हैं, वो अपने दूसरे रूम में होते हैं, नहीं तो वो भी ऐसे करते थे ये भी। तो मुझे याद है जब ये लोग बहुत छोटे होते थे तो मैं खौफ से बेड से निकलती नहीं थी, क्योंकि जैसे ही भी निकलती थी ना तो ये सारे मेरे पीछे चल के आ जाते थे, तो इस वजह से मैं पूरी रात हिल नहीं पाती थी। तो जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, ऑमलेट एग और 1 toast ऑफ ब्रेड। ब्रेड भी मेरी ब्राउन ब्रेड ख़त्म हुई हुई है तो मैंने 1 toast वाइट ब्रेड का ले लिया है। आप वैसे अगर देखें ना जितने भी ये डाइटिशियन हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बताते हैं कि वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, कैलोरीज इनकी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। बेसिकली जो डिफरेंस होता है ना वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में, जो वाइट ब्रेड है ना ये जल्दी से आपके इसके ब्लड में इसकी शुगर और इसके डाइजेशन हो जाती है, क्योंकि ब्राउन ब्रेड है ना वो स्लो स्लो डाइजेस्ट होती है। तो गाइस मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी बहुत ही प्रोडक्टिव रूटीन मॉर्निंग की, और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसकून और बहुत ही खूबसूरत सुबह थी ये मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ होती है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे चैनल पे आने वाले मज़ीद ब्लॉग्स को देख सकें। और इसके अलावा अभी मेरी सुबह का इख्तिताम नहीं हुआ है, अभी मैं बैठूंगी और बच्चों के लिए आज मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं और अनीज़ा नाबिया ऑलरेडी फ्री हो चुकी हुई हैं, तो ये घर पर हैं तो इनके घर के लिए मैं टाइम टेबल सेट करूँगी अभी, ताकि मेरे लिए डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि मैं मसरूफ़ होती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपने यूट्यूब के काम में और फिर घर के बाकी तमाम कामों में। तो मैं उनका एक टाइम टेबल बना दूँगी तो उनको बता दूँगी ताकि वो उसी को फॉलो करें। तो अब वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो तमाम सारा उसका। तो एंड करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहाँ पर, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।